हे दोस्तों, मैं ब्रिजेश पास ही आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं बता दूँ, इस वीडियो को मैंने बहुत ही सोच समझ के क्रिएट करने का काम किया है और इस वीडियो में जो मैं आंसर देने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अप्लाइड कैंडिडेट हैं जो कि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से हमारे पास परेशान पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगा क्योंकि किसी का वीज़ा आना बाकी है, तो किसी का वीज़ा आ गया है तो उनका टिकट आना बाकी है और काफ़ी समय से ये कारवां चल रहा है। इसी तरह लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनको डायरेक्टली मुझसे बात करने का कोई अवसर, कोई मौका नहीं मिल पा रहा और मैं भी किसी को फेस नहीं कर पा रहा हूं। सो फाइनली ये वीडियो बनाने का एक मेन रीजन यही है कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को एक जवाब दे सकूं कि जो लोग भी अप्लाई किए हैं, अपना अमाउंट सबमिट किए हैं, किसी भी बात को लेकर आप वरी ना करें क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दुबई से। दुबई में तकरीबन बहुत सारी फाइल लगी हुई है और इसके अंदर वीजा और टिकट का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो दुबई में कुछ ऐसे नाम मैं लेने वाला हूं जो कि लाइक विश्वजीत, अर्जुन सिंह और महेश नायक जी हैं, सनम राणा जी भी हैं। अभी तक उनका कतर में भी फाइल ऑलरेडी लगा हुआ है। लेट्स होप सो कि वहां से भी कोई रिस्पांस आ जाए पॉजिटिव। और विकास जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो बंदे दुबई में लगे पड़े हैं, अनगिनत बंदे जिनका हम वीजा और टिकट का वेट कर रहे हैं। मैं इनको एक ही प्रॉमिस दिलाना चाहूंगा, तीन बंदों का तो हमने टिकट दिया है पर उनका वीजा नहीं आया क्योंकि प्रेशर मार्केट से और हमारे कैंडिडेट से इतना ज्यादा था कि उनको हमने सिर्फ और सिर्फ अभी टिकट प्रोवाइड किया जो कि 28 की फ्लाइट होने वाली आई थिंक सो, और उसके पहले हमें इन्हें वीजा भी प्रोवाइड करना है क्योंकि वीजा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये उड़ नहीं पाएंगे। अगर 28 तक इनका काम नहीं होता तो इनका अमाउंट मैं इन्हें रिफंड कर दूंगा, मैंने सामने वाली टीम को भी बोल रखा है। सो दुबई का मैटर सॉल्व करते हुए इसी तरह प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बैंकॉक के बारे में, थाईलैंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बैंकॉक के ऊपर कितने सारे रिजल्ट्स एंड वीजा शो किए हैं जो कि अभी सुरेंद्र कुमार जी हैं, काफी समय से रिफंड की डिमांड कर रहे हैं लेकिन उनको मैं दिलासा देना चाहूंगा कि दोस्त और जितने भी लोग अप्लाइड कैंडिडेट हैं लाइक मुन्ना लाल, सुरेंद्र कुमार और दीपक, संदीप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अप्लाइड किए हुए हैं, मैं इन सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का वीजा आ चुका है और आप लोगों को वीजा मिल भी चुका है, उसके अगला अमाउंट आप लोगों ने पे भी किया है और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है आपको टिकट के बाद देना है। तो बस मुझे 3 से 4 दिन और दिया जाए, विद इन 2-3 डेज आपके हाथ में आपको हम ईमेल थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू आपको टिकट जरूर प्रोवाइड करेंगे और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी डेट रहेगी फ्लाई की। तो आप लोग रेडी हो जाएं और रेडी कर लें अमाउंट जो कि आप लोगों को टिकट के बाद पे करना है। होप सो कि हमने बैंकॉक का भी यहाँ पे मैसेज दे दिया है। सो रशिया पे चलते हैं। रशिया के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है लेकिन रशिया का थोड़ा मैटर टिपिकल होने की वजह से मैं एक नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा, अमरजीत पाल जी का। रशिया में यहाँ पे फाइल लगा हुआ है। अमरजीत पाल को सिंपल सा एक ही मेरा मैसेज रहेगा, भाई काम स्लो हो रहा है लेकिन काम अगर होगा आपका तो जेन्युइन होगा और फेयरफुल होगा। आपने जितना भी अमाउंट पे किया आप डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं और आपका कोई अमाउंट यहां पे डूबने वाला नहीं है। जो भी काम होगा स्लो होगा तो अमरजीत थोड़ा सा सपोर्ट करें, कॉपरेट करें हमारे साथ और आप हमारे साथ ही यहां से फ्रेश फुली जॉब पे लगेंगे दोस्त। लेट्स होप सो कि आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी ध्यान से और आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को और मेरे वर्क को। सो लेट्स मूव हेड गाइस कि साउथ कोरिया के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट कंट्री साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ एक फाइल लगी हुई है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद जी भी काफी समय से ये फाइल लगवा के रखे हैं। इन्होंने एक बड़ा अमाउंट भी पे कर रखा है लेकिन अभी भी स्टिल इनका कोई मैसेज नहीं आया है। सो इन्हें मैं थोड़ा बहुत वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज आप किसी के कहने पर कोई कदम ना उठाए जब तक आप मुझसे डिस्कस नहीं कर लेते और सामने से मैं आपको कोई ना कोई मैसेज नहीं दे देता, उससे पहले आप कोई भी किसी के कहने पे आप कोई कदम ना उठाएं और आपका फेयरफुली मैं यहां से जरूर वीजा एंड टिकट सारी चीजें प्रोवाइड करके आपको साउथ कोरिया जीजू आइसलैंड में जॉब के लिए जरूर भेजूंगा। सो नेक्स्ट कंट्री यहां पे कतर, ओमान एंड बैरन, तीनों कंट्री की हम बात करते हैं। बहुत से बंदे दुबई से और अदर कंट्री से कन्वर्ट हुए हैं फॉर द कतर, ओमान और ओमान के लिए मैं बता दूं, कतर के लिए भी, बैरन के लिए भी कुछ बंदे ऐसे हैं लाइक अमर जी सर हैं और भी एक बंदा है जो मनोज जी हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं। इनका भी स्टिल अभी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही रिजल्ट आता है, कोई पॉजिटिव थिंग्स आती है, हम इनको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, कॉल करके इनका वीजा प्रोवाइड करेंगे, इनका टिकट प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने जो भी एडवांस अमाउंट
पे किया है वो सारी चीज़ें नोट है। अगर आपका काम होता है तो आपको फेयरफुली यहाँ से भेजा जाएगा, अदरवाइज आपके टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएंगे दोस्तों। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो कि मैंने ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल बनाया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी देगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलना दोस्तों। ऑन करेंगे तो आप लोगों को हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को डेली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।